सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। टुडे दिल्ली इज सराउंडेड बाय आवर फार्मर्स। दे आर द पीपल हु गिव अस सस्टेनेंस, दे आर द पीपल हु वर्क फॉर अस। व्हाई इज दिल्ली बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फोर्ट्रेस? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible, and the government needs to listen, because kisans are not going away. Main kisanon ko bahut achhi tarah janta hu, ye nahi jayenge, piche nahi hatenge. Ant mein sarkar ko hi hatna padega. फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। ये बजट 1% आबादी का बजट है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं, 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे? 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया, चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे? जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है,
और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है, मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है, सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है?